देखिए, सबसे पहले तो जो आज चारसदा में जो धमाका हुआ है उसमें शहीद जो हुए हैं हमारे पाकिस्तानी, उस पर दुख का इजहार। ये आज की जो मीटिंग थी उसमें सारे बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रेसिडेंट, सीईओ वगैरह सब थे। आपको इल्म होगा कि कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो लिया गया था कि ये जो इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट है, वो जिसको गधला पानी कहा जाता सकता है, वो हैदराबाद से कोटड़ी से फुलेली में आगे चल कर के इधर जब कराची में आते हैं तो वो सी साइड पानी छोड़ा जाता है, वो गदला पानी है, उसको एक्चुअली इफिलेंट ट्रीटमेंट ट्रीट करके भेजना चाहिए ताकि वो नुकसान ज़्यादा ना हो। तो उस वजह से एनवायरनमेंट की तरफ से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी सेक्टरी को भी शोकाज नोटिस दिया गया था। तो आपने क्या किया है, लेकिन ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का काम है। उनके तरफ से बहुत से इंडस्ट्रीज को लेटर लिखे गए थे, किसको शोकाज दिए गए थे, क्योंकि जब एग्रीमेंट होती है कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है तो उसमें ये पेरा होती है कि इनको इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट का भी बंदोबस्त इनको ही करना है ताकि वो अच्छे किसी नहर में या समंदर में पानी सही तरह से पहुंच सके। तो वो माजी में रवायत ऐसी रही है, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी और इस वजह से ये सिलसिला चलता रहा। इधर भी गदला पानी समंदर में छोड़ा गया, कोठड़ी में भी, फुलेली और इसी तरह सिंधु दरिया में भी, हैदराबाद, सक्खर, ये इसी तरह का ये इन्होंने छोड़ना शुरू किया। अब जब हम आए तो आने के बाद हमने सोचा कि तो यहाँ तो हेपेटाइटिस सी बी ये मसाइल हैं, इसलिए कि बेहतर है कि ये इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट जो बंद पड़े हैं या जो 5 साल से काम शुरू हुआ है, पेमेंट भी ली गई है, वो ऐसे ही रनिंग कंडीशन में नहीं है, पहले तो उनको रनिंग कंडीशन में लाएं। जैसे कोटली में था, एस्टिमेटेड कास्ट 65 करोड़ थी, खर्च भी 90 करोड़ हुआ 2011-12 में, रनिंग पोजीशन में नहीं है। तो जब हम गए और जज साहब भी गए तो उन्होंने कहा कि क्यों, वजह क्या है? तो पहले तो हमने कहा कि भाई पहले हम तो इसको जो कॉन्ट्रेक्टर है नहीं है अपने जेब से ही खर्च करा करके रनिंग कंडीशन में ले आए, और उसमें मेरे ख्याल में 72 मिलियन रुपये हमारे खर्च हो रहे हैं, और उसके बाद हमने रन करने के लिए भी कास्ट रखी 3 माह के लिए। उसूलन क्या है कि अगर फर्ज करो कि ट्रीटमेंट प्लांट हम बना दे दें सिंध और फेडरल गवर्नमेंट, तो उसमें रनिंग के लिए इंडस्ट्रीज का काम है, वो रन कर सकें आपस में डोनेशन करके। तो आज की बात में जो कि तय पाया गया कि हम आप हमें तैयार करके दे दें, लेकिन उस पर बात होगी, कुछ उनको भी देना पड़ेगा, तैयार करके दे देंगे, जो रनिंग कास्ट होगी वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे हम आपस में चलाएंगे। तो ये एक अच्छा अमल हुआ, इसके लिए उन्होंने एक हफ्ता लिया है हमसे, और तब तक हम एनवायरनमेंट से भी बात करते हैं कि ताकि ये अगर इंडस्ट्रीज बंद करने से भी तो मसाइल हल नहीं होंगे, वैसे ही कराची के हालात ऐसे हैं तो इंडस्ट्रीज भी खुली रहें और हफ्ते डेढ़ में ये मामला भी हो, और जो इंडस्ट्रीज में जो अभी इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट हम हैदराबाद का शुरू कर रहे हैं, PC1 तैयार हो गई है, कोटली का रन कर रहे हैं, 2 माह में रन हो जाएगा, नूरियाबाद में शुरू हो गया है, इसके साथ कराची में जो 5 हैं जिसके लिए 10 बिलियन रुपए रखे गए हैं, 5 बिलियन सिंध गवर्नमेंट ने ADP में रखे हैं, हम तैयार हैं 5 बिलियन के लिए, मरकज़ की तरफ से रिस्पांस नहीं है। तो
उसके लिए भी मेरे ख्याल में जिस तरह से इनका तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों नहीं मरकज दे रहा है। एक्चुअली ये जो इंडस्ट्रीज है, एक्चुअली ये फेडरल सब्जेक्ट है, एक्सपोर्ट यही करते हैं, इनकम टैक्स यही देते हैं, और जी यानी टोटल जो है 10 मिलियन मुकरर किया गया है, 5 मिलियन हमने तो एडीपी में रखे हैं, लेकिन मरकज के तरफ से वो हमें काम नहीं कराना है, वाटर बोर्ड वालों को काम कराना है, और मरकज के तरफ से थोड़ी डिले टैक्टिस है। बातें जो मरकज के तरफ से बहुत की जाती हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन सब जब हम आए हैं सब हमने, आप पूछ सकते हो किसी भी इंडस्ट्रीज से जिस तरह से रेस्पॉन्स दे रहे हैं, हम 9 बजे अगर टाइम है तो 9 बजे पहुंचते हैं, वो 10 बजे पहुंचते हैं, लेकिन ये जो चेंजिंग मैं कह रहा हूँ कि हालात तब्दील 2017, वो आज वो एडमिट कर गए कि हालात वाकई तब्दील हो रहे हैं, कि पहले मिनिस्टर कम मिलते थे, अब मिनिस्टर तैयार हैं तो बिजनेस कम्युनिटी कम मिलने के लिए तैयार है, तो ये चेंजिंग है, जिस तरह से चेंजिंग है। तो इस सिलसिले में आज की मीटिंग थी, हमने फैसला किया है कि सीएम साहब से भी बात करेंगे, एनवायरनमेंट से भी बात करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट साहब से भी बात करेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ सही तरह रिजल्ट आएगा। अच्छा, हालात तो बदल रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि PSL पाकिस्तान में होने का अनाउंस हुआ, उसके बाद जोर धमाके, तो आप क्या समझते हैं कि PSL का फाइनल, क्योंकि खुशखबरी की बात है, अनाउंस तो कर दिया गया, कामयाबी से हो पाएगा? बिल्कुल कामयाबी से हो जाएगा, PSL का जो फाइनल है लाहौर में होगा, मैं तो चाहूँगा कि कराची में भी हों। मेरी ख्वाहिश है कि कराची, जो कराची वो शहर था 15 साल पहले जिसमें सारे ये मैचेस कराची में होते थे, और रोशनी का शहर है, वो आना है। ये साल 2017, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 माह 3 माह दहशतगर्दी उरूज पे होगी, 2 माह 3 माह दहशतगर्दी उरूज पे होगी, लेकिन इसका अंजाम होगा, और वो 4 माह 5 माह के बाद पाकिस्तान और खुसूसन कराची बदलता हुआ नज़र आपको आएगा। कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, हर इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले, वो क्यों न पाकिस्तान का आवाम हो, वो क्यों न हमारे फोर्सेस हो, वो क्यों न जुडिशरी हो, वो क्यों न टेलीविजन के ओनर हो, एंकर हो, जर्नलिस्ट हो, सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, ताकि ये मुल्क को हमें तब्दील करना है। जब हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर का साल, नया साल मनाएंगे, तो उसमें आपको मुनफरद नज़र आएगा पाकिस्तान। बहुत सारे गंदे परिंदे तो आके धुल के साफ हो गए हैं, बाहर से उड़ के आए हैं और आके धुल के साफ हो गए, लेकिन जो दादी अम्मा है वो जो लंदन में थी, तो वो भी कुछ है चांस आने का, या वो वहीं रहेगी? अब मेरे ख्याल में भी देखिए ना, उनके चांसेस कम होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे हालात में मेरे ख्याल में इस तक बातों तक तो हो सकता है, अगर कहोगे तो उनको भी लेके आएंगे, कोई बात इंटरपोल के जरिए है, लेकिन अब ये साल में बहुत से ऐसे होंगे कि इंटरपोल के जरिए भी ले आएंगे, और कुछ कुछ की अहमियत ही नहीं रहेगी कि उधर ही हम छोड़ देंगे। जो मुल्की सूरत हाल है, दहशतगर्दी की लहर है, फौजी अदालतों के कयाम के मुतालबात, आपको लगता है कि एक दफा फिर जो है जमहूरी सेटअप को डिरेल किया जा रहा है, इस तरह का जो है पसे पर्दा कुछ कुव्वतें सरगर्म है, एक दफा फिर जो है मुल्क में निजाम को तब्दील किया जाए? मेरे ख्याल में ये ट्रेडिशन तो रहा है माजी में, लेकिन अब हालात वक्त वो नहीं है जो पहले था। अब किसी के कहने पे और किसी के एक्शन लेने से वो हालात नहीं होंगे जो पहले 10 साल पहले थे। अब थोड़ा सा मुनफरद है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज है, इंटरनली हालात चेंज है, एक्सटर्नली हालात चेंज है, जो कल हम अपनों को अपने समझते थे वो आजकल और हो गए हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में न इन फोर्सेस का कोई ख्याल होगा, न कोई सियासतदानों का ख्याल होगा कि टकराव लड़ाई हो, और लड़ाई टकराव में नुकसान सबका है। हमें सोचना है पाकिस्तान को किस तरह मुस्तकम देखें और मुस्तकम करें, ताकि कंपेयर कर सकें दूसरे पड़ोसी के अलावा भी, पाकिस्तान CPEC के वजह से मुनफरद नज़र आए। अच्छा, जब भी मुल्क में हालात ख़राब होते हैं तो चौधरी निसार अपने तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब मोड़ते हैं, और कल भी उन्होंने ठीक ठाक पीपल्स पार्टी को लताड़ा है। वो पीपल्स पार्टी तो हमेशा पीपल्स पार्टी को लताड़ा गया है और लताड़ा जा रहा है,
वो क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी थी, तो अब वो लताड़ने से मेरे ख्याल में ये चाहते हैं कि पनामा वाला मामला इधर उधर कोई और अखबार की जीनत बने और हमारा मामला कहीं और रुक जाए या खामोशी में जो भी हेयरिंग हो गुजर जाए। लेकिन उधर भी ऐसे हालात हैं कि लड़ाई जो इमरान और नवाज शरीफ की है बीच में हम मलाकड़ा जब होगा तो हम जीत करके दिखाएंगे। अंदरी समझते हो ना, तो वो अंदरी लगा करके मलाकड़ा जैसे शीदी मलाकड़ा लड़ता है तो उसमें हम जीत जाएंगे, दोनों को दसेंगे। साहब आप क्या समझते हैं जो ये मौजूदा सूरत हाल है अफगानिस्तान के साथ भी, अब कशीदगी बढ़ती, मामला सही नहीं है, अंदरूनी मुल्क में जो हालात हैं, धमाके के ऊपर धमाके हुए जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल इलेक्शन तक बेहतर हो जाएगी या इलेक्शन इस सूरत हाल की वजह से मुलतवी करने पड़ेंगे? कोई इलेक्शन मुलतवी नहीं करनी पड़ेगी, नई सेंसस मुलतवी करने पड़ेंगे। हर चीज़ जो टाइम है मुकरर पे हर चीज़ होगी। बेशक कोई इंटरनेशनल साजिश हो, कुछ कुवतों की ये कोशिश हो कि ये जो फैसले इन्होंने टाइम पे कराने हैं वो ना कर सकें, हमारा भी बका का सवाल है। अगर टाइम पे सेंसस नहीं कराएंगे, इलेक्शन टाइम पे नहीं कराएंगे, डिसीजन जो लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो हम जंग हार जाएंगे। हमें हर कुर्बानी दे करके वो टाइम पे हर चीज़ करानी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जबरदस्त।